इंजीनियरिंग स्टूडेंट सैयद असरार अली ने एक यूनिक कार तैयार की है। कार की खास बात यह है कि इसे किसी भी दिशा में घुमाने के लिए आगे पीछे नहीं करना पड़ता। कार में लगे बटन को दबाते ही यह एक ही जगह खड़ी खड़ी चारों दिशाओं में घूम जाती है। इसे तैयार करने में असरार को करीब 5 साल लगे। अब वह इस तकनीक को पेटेंट करवाने के प्रयास में जुटा है। जयपुर रोड पर बालाजी नगर में रहने वाले असरार ने बताया कि जब कॉलेज में सीनियर्स को कार का मॉडल बनाते देखा तो सोचा कि एक दिन मैं भी यूनिक कार तैयार कर दिखाऊंगा। अक्सर देखा कि बड़े शहरों में कम जगह के कारण पार्किंग में परेशानी आती है। इससे आइडिया आया कि ऐसी गाड़ी तैयार की जाए जो बगैर स्पेस घेरे व आगे पीछे किए बिना एक ही जगह पर घूम जाए तो समस्या का समाधान हो सकता है। इसके बाद जयपुर रोड पर अपने पिता अनवर अली के वर्कशॉप पहुंचा। यहां गाड़ियों के मॉडल देखे, इनमें एक गाड़ी को सेलेक्ट किया व फिर जुट गया उसे तैयार करने में। करीब 5 साल की तोड़फोड़ के बाद 4 सीटर कार तैयार की। ये जहां खड़ी होती है वही 360 डिग्री रोटेट होकर घूम जाती है। इसमें लगे हाइड्रोलिक जैक बटन दबाते ही कार को हवा में उड़ा देते हैं। इसके बाद कार को जिस दिशा में ले जाना है वह एक जगह खड़ी खड़ी उधर घूम जाती है। असरार के अनुसार इस कार को तैयार करने में करीब 15 लाख रुपए खर्च हो गए। इसके लिए उसे कई पार्ट्स उसे ऑनलाइन व ऑफलाइन मंगवाने पड़े। कुछ पार्ट्स वर्कशॉप के कबाड़ से जुटाए। 140 किलोमीटर की अधिकतम रफ्तार वाले इस कार का एवरेज करीब 25 किलोमीटर है। इससे पहले भी वह 1 सीटर रेसिंग कार तैयार कर चुका है। मैं स्टडी हुई है वो मैंने बीटेक कर रखा है ऑटोमोबाइल इंजीनियर से। तो ये जो चार्म था या फिर मैं इससे लगाव है वो पुराने टाइम से ही है। तो जैसे मैंने आपको बताया 2013 में 10 साल पहले मैंने प्रोजेक्ट डिज़ाइन किया था। इसके अलावा जब कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी डिज़ाइन किया। पर काम तो जो सब करते रहते हैं, प्रोफेशनल वर्क अपना सबका होता है। हमेशा अपन अपनी जीवन यापन करने के लिए कुछ ना कुछ करते रहे। इसी तरह के मैं काम तो मेरा कुछ कर ही रहा था लेकिन एक शौक था, एक पेशन है मेरे में कि मैं अगर कर रहे हैं तो कुछ अलग करें, कुछ हटके करें। तो उसी के साथ मेरे अपने रेगुलर वर्क के साथ में जैसे मेरे को टाइम मिला, टाइम निकालते कि इसको प्रोजेक्ट को मेरे को डिज़ाइन करते हुए 5 साल हो चुके। पूरे 5 साल का कोरोना जब अपना टाइम था ना उससे पहले मैंने ना इसको स्टार्ट कर दिया। जो फर्स्ट फेज आया था ना कोरोना का उससे पहले इसका वर्क स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद में मैंने कहा कि यार कुछ खास करते हैं। तो इस तरह हमारे इंजीनियरिंग कॉलेजों में एक कंसेप्ट होता है 0 डिग्री टर्निंग रेडियस का। मतलब तो बहुत रेयर बड़ी बड़ी कंपनियां इस प्रोजेक्ट पे काम करती है कि अपनी गाड़ी को कम से कम स्पेस में अपन कैसे घुमा सकते हैं ताकि अपन कहीं जा रहे हैं पार्किंग स्पेस में फंसे हुए हैं। अभी से इस गाड़ी प्रोजेक्ट में है, अगर आपको इसका टायर चेंज करना है तो आपको उसमें जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। एक कोई मैकेनिक वगैरह या कहीं वर्क कर रहा है तो वो अक्सर जैकअप पे व्हीकल करते हैं तो आपको इसमें जैक लगाने की ज़रूरत नहीं है। आप बटन प्रेस कीजिए, केवल एक बटन प्रेस करना, हाइड्रोलिक शॉकर्स है, शॉकर्स नीचे आएंगे, शॉकर्स जैसे ही नीचे आएंगे तो गाड़ी ऊपर होगी, गाड़ी ऊपर होगी तो आपके टायर है वो फ्री होंगे। उसके बाद टायर को हो सकता है आपको टायर चेंज करना तो आप इजी वे में बिना जैक लगाए आप इसमें टायर चेंज कर दो। सारा काम है इसमें ऑटोमेटिक है, जो भी जैसे बटन हाइड्रोलिक प्रेस है तो बटन प्रेस कीजिए गाड़ी ऊपर आ जाती है। रोटेट करने के लिए जिसमें 2 फेज है मैं इंपॉर्टेंट मानता हूँ। जैसे मेरे काम किए, मेरे काम को 4 फेज में डिवाइड किया। जैसे एक तो कि मैंने टायर वगैरह सेट करें ये बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है। उसके बाद मैंने इसका बॉडी का फैब्रिकेशन रखा क्योंकि अगर बना रहे हैं तो चाहिए लुक भी अच्छा होना चाहिए। ये काम मैं दूसरी कैटेगरी भी कर सकता लेकिन अपन जब बन रहे हैं तो मेरा डिज़ाइन भी कुछ अच्छा। तो सेकंड थिंग इसका जो बॉडी फैब्रिकेशन अपन इसको बोलते हैं वो उसका हुआ। थर्ड चीज़ 3 वो था इसमें मेरी कि इसको मैं इसके से गाड़ी को लिफ्ट करूँ। ये जो मेजर टास्क थे मेरे को लिफ्ट करने और रोटेट करना, ये जो चीज़ है वो आज तक कमी लोगों ने करी है। रोटेट वाला तो हुआ ही नहीं, लिफ्ट जरूर रखा है। तो वो चीज़ मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट रहा तो मैंने उसको 3rd फेज में डिवाइड करा। चौथा जो मेरा फेज़ था वो था मेरे को रोटेट करूँ। और सबसे जो डिफिकल्ट फेज रहा मेरे लिए तो ये रहा था कि इसको रोटेट कैसे करें क्योंकि मैंने साल भर तो इसको केवल घुमाने घुमाने बगैर इसको घुमाऊँ क्यों, तोड़ता हूँ फिर जोड़ता हूँ फिर तोड़ता हूँ फिर जोड़ता हूँ। तो 3 से 4 बार ना कई चीज़ों को तोड़ा है जोड़ा भी है तब जाके इसमें ये सक्सेसिव में हुआ हूँ। सबका शुक्रिया इसके लिए कि सबका साथ रहा। तो जो कॉलेज से मेरा स्टार्टअप मोटिव रहा था ना तो वो मैंने मेंटेन किया, अपना पेशन मेंटेन किया तो उसी को करते हुए मैं आगे बढ़ा। इसमें जो ये सामान जो इंक्रीमेंट लगाए हैं वो किस तरह से आपने कलेक्ट किए और कितना क्या खर्चा इसमें आया? जब कलेक्ट की बात करें तो जो इंजन वगैरह है वो अधिकतर हमने जो पुराने कबाड़ में क्योंकि एक प्रोजेक्ट हम डिज़ाइन कर रहे हैं रिस्क भी रहता है, जाहिर सी बात है कभी भी फेलियर्स भी हो सकता है। तो अपन ने पुरानी चीज़ें यूज़ की है, जैसे इंजन है वो 1000 cc का 1 लीटर या डीजल इंजन है और उसके बाद में इंजन है वो उसका हमने पुराना यूज़ किया है।
और बाकी पार्ट्स की बात करें, जैसे मैंने आपको बताया बाहर के जो पार्ट्स हैं ना वो लगभग नए हैं, जैसे साइड ग्लास सही नए हैं, रिम्स हैं, टायर्स है कि नए हैं, उसका सामान मेरे को सिकर में मिल गया, उसमें दिल्ली हो गया बाहर से लेके आया, कुछ मैंने ऑनलाइन भी लिया, कुछ ऑफलाइन लिया, क्योंकि ऑनलाइन मार्केट अपना आजकल सबसे बड़ी सुविधा है कि अगर आप सिकर में करते हो डिफिकल्टी तो जाहिर सी बातें रहती है, अगर अपने एक बड़ी सिटी में काम करें और एक सिकर में करें तो कोई बात नहीं, लेकिन आजकल अपने पास सुविधाएँ बहुत है, तो जहाँ से भी मिला मेरे को मैंने सारा काम किया, सारा सिकर में सब कुछ जो काम किया वो सिकर में किया, पार्ट्स वगैरह की जो अवेलेबिलिटी थी वो कुछ बाहर से मंगाया, कुछ मैंने ऑनलाइन मंगाया, कुछ ऑफलाइन भी मंगाया, कुछ कबाड में पुराना था, तो कॉस्ट जो आई है इसमें पूरी कॉस्टिंग की बात करें तो सर वैसे तो नुकसान काफ़ी हो गया इसमें, तो वो भी अगर मैं इंक्लूड करता हूँ तो कॉस्टिंग तो काफ़ी आ गई, 15 लाख रुपये पड़ गए इसकी कॉस्टिंग आई है मेरे को, इसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट अभी तक की मेरी 15 लाख रुपये इसमें रही है, तो इसके लिए सहयोग रहा सभी का। जो नए इंजीनियर्स जो तैयार हो रहे हैं उनको लेकर के क्या सीख देना चाहेंगे, क्या संदेश देना? मैं उनको ये कहना चाहता हूँ कि आप अपने काम के साथ में जो भी करें उसका पैशन को कंटिन्यू करें, हमेशा कुछ नया करने की कोशिश करें ताकि वो सबके लिए लाभदायी हो, समाज में हर वर्ग है उसका लाभ उठा सके, आपके किसी भी तबके के लोग हैं अगर वहाँ उसके कोई काम आ सके, तो ऐसे यूनिकनेस है वो अच्छी चीज़ें हैं वो करते रहिए और आप खुद भी आगे बढ़ेंगे तो जाहिर सी बात है अच्छा लगता है, अपने आप को प्रोग्रेसिव भी रखते हैं, तो कुछ भी हो आप इंजीनियर हो तो हमेशा क्रिएटिव है, कुछ नया है वो करते रहिए, तो ये संदेश मैं उनको देना चाहूँ, कोशिश हमेशा आगे बढ़ने की करते रहे। आगे आपकी क्या रहने चलेगी, आगे क्या, आगे क्या कुछ और विचार? देखो सर, ये मैंने प्रोजेक्ट पहले तैयार किया था वो अलग था, ये अलग था, अभी मेरे को इसमें जैसे कुछ चीज़ें यूनिक है नहीं है आज तक हुई नहीं, तो कोशिश करूँगा पेटेंट के लिए जाने के लिए, वो एक लेंथी प्रोसेस होता है, तो है विचार इसमें कि अपन इसको पेटेंट के लिए अप्लाई करें जैसा ही प्रोसेस होगा ताकि उसका और ज़्यादा प्रॉफिट है वो अपन ले सकें, बाकी इसके अलावा जैसे जैसे कुछ नए आइडियाज़ आते रहेंगे तो कुछ ना कुछ करते रहेंगे।